हेलो एंड वेलकम यूअर टेक बफ की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछला मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको बताया था फोन पे अकाउंट कैसे बनाएं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फोन पे केवाईसी कैसे करें। तो अगर आपने फोन पे ऐप के अंदर एक नया अकाउंट बनाया है और आप उसकी केवाईसी करना चाहते हैं तो उसी को करने का तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपने अपने फोन के अंदर जो फोन पे ऐप है उसको ओपन कर लेना है और आपने इस ऐप के अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, आपको ये जो ऊपर टॉप में एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप इस पे टैप करेंगे। उसके बाद इस तरीके का प्रोफाइल पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो आप जैसे ही बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा केवाईसी डिटेल्स, और यहाँ पे लिखा है प्लीज कंप्लीट योर केवाईसी, और उसके साइड में यहाँ पे वेरीफाई का एक लिंक बना हुआ है तो आपने इस पे टैप कर देना है। तो जैसे ही टैप करेंगे इस तरीके का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ही आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर देते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो नीचे कंप्लीट केवाईसी लिखा हुआ है इस बटन पे टैप कर देंगे। तो उसके बाद इस तरीके का एक पेज खुलेगा, यहाँ से आपको सबसे ऊपर जो है डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करनी है। इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन खुल जाएंगी, तो इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे है ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड नंबर, पासपोर्ट और पैन कार्ड। इनमें से कोई एक जो है डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे को पैन नंबर देना होगा और अपना जो है पैन होल्डर नेम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये डिटेल्स एंटर कर देता हूं। उसके बाद हम जो नीचे वेरीफाई का बटन दिखाई दे रहा है उस पर टैप कर देंगे। तो जैसे आप ये कर लेते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन यहां पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई है, बेसिक केवाईसी डिटेल्स अपडेटेड। तो अब जो है आपकी बेसिक केवाईसी डिटेल्स अपडेट हो गई हैं, यानी कि कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप फुल केवाईसी कराना चाहते हैं आप देख सकते हैं नीचे मेरे को मैसेज आ रहा है करंटली अनअवेलेबल, यानी कि अभी जो है फोन पे ये जो फुल केवाईसी का ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम फुल केवाईसी नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो बेसिक या मिनिमम केवाईसी है वो कंप्लीट कर ली है। तो आप नीचे से सेलेक्ट कर सकते हैं नोटिफाई मी, तो अगर फ्यूचर में अवेलेबल होगी फुल केवाईसी तो ये आपको नोटिफाई कर देगा ऐप, या फिर आप गॉट इट वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही इसको शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो कि फोन पे ऐप को यूज करते हैं। अगर आपका कोई सजेशन या फीडबैक है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने को मिलते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में घंटी का आइकन दिखाई देता है उसको भी दबा देना है, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा आप यूअर टेक बफ को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। तो मैं मिलूंगा आपको जल्द ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।